नमस्कार इंदौर, मैं ऐशिका यादव स्वागत करती हूं आपका अभय न्यूज के 14 मई शनिवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। पत्नी और उसका मुंह भोला भाई पति की गैर मौजूदगी में रासलीला रचा रहे थे। बच्चों से यह जानकारी मिलने पर पति ने नजर रखी तो जब सारा वाक्या एक बार फिर पति की आंखों के सामने ही घटा तो उसका खून खौल गया। गुस्से से भरे पति ने मुंह भोले भाई के सिर पर इस कदर हथौड़े बरसाए कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के सोलंकी नगर क्षेत्र का है। यहाँ रामकृष्ण नामक व्यक्ति की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई थी। रामकृष्ण आरोपी तुकाराम की पत्नी का मुंह भोला भाई था। तुकाराम की पत्नी से उसके अवैध संबंध थे। जब मजदूरी के लिए तुकाराम घर से बाहर जाता तो पत्नी और रामकृष्ण अपनी लीला में डूब जाते थे। तुकाराम के बच्चे यह सब देखते थे। उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई थी। घटना वाले दिन तुकाराम अचानक घर पहुंचा तो रामकृष्ण को उसने पत्नी के साथ पाया। हालांकि वह तब चुप रहा, लेकिन रात को घर के बाहर सो रहे रामकृष्ण की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की और आरोपी के बच्चों से पूछताछ की तो हत्या की कहानी साफ हो गई। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार था कि हॉस्पिटल बॉम्बे हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को किसी ने हथौड़ा मार दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस गई, वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया कि इसका शीघ्र खुलासा करें क्या प्रकरण है ये। तो उसमें जो जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज देखे और जो पूछताछ की, उससे जो जानकारी मिली ये मिली कि मृतक जो था आरोपी की पत्नी से उसका कुछ रिलेशन था और आरोपी मजदूरी के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। जब लौट के आया तो उसके बच्चों ने उसको बताया कि मामा के साथ मम्मी का कुछ बारे में उसने जो पूछताछ की तो उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बच्चों ने बता दी उसको, छोटे छोटे बच्चों ने। फिर उसने रात में खुद जासूसी की देखा और उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई होने पर पड़ोसियों ने उनको समझा दिया था, परंतु आरोपी जो था उसने मन में ठान ली थी उसके बदला लेने की। जब वो सोया, सोते समय उसके दो हथौड़े सिर पर मार कर वो भाग गया था। पूरी जानकारी पता भी नहीं चलती, पता क्योंकि वो सोते में चला गया था, सभी सो रहे थे करीब करीब, पर जो बच्चे थे, बच्चों ने, छोटे बच्चों ने इस चीज़ की बता दिया कि हथौड़ी किसने मारी है। उसके बाद फिर पूछताछ करने में पूरी जानकारी सामने आई और आरोपी को उसके घर शिवपुरी जाते समय रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कपड़े और जो हथौड़ा जिससे मारा था वो भी जब्त कर लिया गया। शहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बदमाशों ने पहले बाइक चोरी की, फिर उसी बाइक से घर के बाहर बैठी महिला के मोबाइल और मंगलसूत्र पर झपट्टा मारकर फरार हो गए। एरोड्रम पुलिस घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय अर्चना पति संतोष पाल निवासी कृष्णबाग कॉलोनी अपने मायके आई थी और घर के बाहर बैठकर फोन पर बात कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल से दो बदमाशों ने एक साथ एक ही वक्त उनके मोबाइल और मंगलसूत्र पर झपट्टा मारा और उसे लेकर फरार हो गए। महिला चिल्लाई, लेकिन उससे पहले ही बदमाश आंखों से ओझल हो गए। पुलिस को जांच में पता चला है कि दोनों बदमाशों ने एक दिन पहले सराफा से बाइक चुराई और उसी बाइक से वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है, एरोड्रम पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं से उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, जैसे अकेली थी, गली थोड़ी खाली है, रेकी करी, वहीं से उन्होंने उसके हाथ में से मोबाइल छीना, दूसरे में उसके हाथ से गले में मंगलसूत्र था, उसमें मोती थे करीब 8-10 और वापस रिटर्न होते मंगलसूत्र। क्या नाम है? का नाम है अर्चना पाल। कहाँ की घटना है? ये कृष्णबाग कॉलोनी की है, मकान नंबर 479/3। तो सर अभी क्या कुछ प्रयास किए गए? प्रयास रात भर से लगे हैं और गाड़ी भी अभी हमको पता लगा, जो गाड़ी नंबर आया है वो गाड़ी सराफे से चोरी गई थी, कल ही चोरी गई थी 6:30 बजे। तो वो सराफे में उसकी कायमी हुई, वहाँ से कायमी मंगवा रहे FIR हम, और सराफे में भी हम वो कैमरे, हमारी टीम जो लगी वहाँ कैमरे वहाँ के पूरे ढूंढ रही, तलाश कर रही कि वहाँ के कैमरे में भी अगर आ रहा है वो, और वो सराफा पुलिस भी लगी है कि कैमरे में यहाँ अगर आ रहा है गाड़ी के नंबर, बदमाशों ने गाड़ी सराफे से फिर घटना 6:30 बजे उन्होंने वहाँ बता रहे हैं कि 6:30 बजे करीब सराफे से गाड़ी छोड़ी। आपने से घटना सर क्या फुटेज वगैरह? फुटेज देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि रात में हम फुटेज कम देख पाए, अभी दिन में वहीं से आ रहे हैं और फुटेज देख रहे हैं, तय कर रहे हैं कुछ मिल जाएगा। हाँ संभावना है कि ट्रेस होगा।
लगातार बढ़ती चोरी, स्टैंड स्नेचिंग और अन्य अपराधों को देखते हुए अब पुलिस आपके घरों की रखवाली करती नजर आएगी। विजयनगर थाना पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। लोगों को अवेयर करने के लिए जगह जगह सतर्कता बरतने के संदेश देते पोस्टर भी लगाए गए हैं। TI तहजीब काजी ने बताया, थाना क्षेत्र में यदि कोई भी नागरिक अपने घर को सूना छोड़कर कहीं बाहर जा रहा है तो इसकी सूचना थाने पर दे। इसके बाद हम उस क्षेत्र में घर की निगरानी करेंगे, जिससे होने वाली वारदातों को रोका जा सके। इसके अलावा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें किसी से भी अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड, पिन या अन्य OTP शेयर ना करने, रुपए दोगुना करने के झांसे में आने से बचने और वाहन में सदैव व्हील लॉक लगाए आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी है। देखिए, ऐसा है कि पुलिस का जो हमेशा प्रयत्न रहता है कि लोगों की संपत्ति और उनकी संरक्षा की जाए, किसी में माननीय कमिश्नर महोदय और DCP महोदय द्वारा थानों पर बताया गया है कि संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम की जाए, तो इसलिए हमने ये प्रयत्न किया है कि जो अभी जो छुट्टियां चल रही, गर्मी की छुट्टियां चल रही, इसमें लोग बाहर घूमने जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो घर सूना छोड़ कर जाते हैं। तो जब घर सूना छोड़ कर जाते हैं, ताला लगा कर जाते हैं, और जब वो लौट के आते हैं तो उनके अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है कि ताले टूट जाते हैं। इसको रोकने के लिए हमने ये प्रयत्न किया है, सब जगह ये प्रचार प्रसार किया है, बड़े पोस्टर भी लगाए हैं कि जिसमें बताया गया है कि अगर आप घर सूना घर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो आप पुलिस को सूचना दें, ताकि पुलिस आपके घर की सुरक्षा की चिंता कर सके और आप चिंता मुक्त होकर अपने सब कार्यक्रम संपन्न कर सके। आरोग्य मेडिकल की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को विजयनगर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाई और कोर्ट में पेश कर फिर से 4 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपियों ने इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में 20 से भी अधिक लोगों को शिकार बनाया और करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस मुख्य आरोपी KP सिंह की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। दरअसल विजयनगर थाना पुलिस आरोग्य मेडिकल की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी KP सिंह चौहान, उसका भाई रुपेश सिंह चौहान और रुपेश की पत्नी उर्मिला सिंह को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर बाहर लाई और फिर न्यायालय में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। दरअसल फरियादियों की संख्या में इजाफा होने के चलते पुलिस उनसे फिर से पूछताछ करेगी। आरोपियों पर इंदौर में 7 प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा ग्वालियर और जबलपुर में भी FIR दर्ज है। विजयनगर पुलिस ने ग्वालियर और जबलपुर पुलिस से भी संपर्क साधा है। पुलिस आरोपी KP सिंह से धोखाधड़ी कर कमाए गए रुपयों को कहां इन्वेस्ट किया, इसकी जानकारी जुटा रही है। यह भी पता चला है कि आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदी है। मेडिकल, आरोग्य मेडिकल की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से ठगी की गई थी, उसमें लगभग 10-12 फरियादी थे, उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार थे, जिनका पुलिस रिमांड लिया गया है माननीय न्यायालय से, और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है उनकी प्रॉपर्टी, इन पैसे से उन्होंने कहां से प्रॉपर्टी खरीदी, कहां पर उनने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है, इन सबकी अभी जांच की जा रही है। हाँ, ग्वालियर जबलपुर में इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है, जिसके बारे में वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया गया है, वहाँ के फरियादी से भी संपर्क किया गया। ईंट भट्टे पर काम करने वाली किशोरी के साथ यही काम करने वाला एक युवक धमकी देकर रेप करता रहा। 2 मई से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार जारी था। 11 मई को किशोरी का डर कुछ कम हुआ तो उसने माँ को जानकारी दी। इसके बाद महिला थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया। दरअसल किशोरी मांगलिया स्थित ईंट भट्टे पर काम करने जाती है। इसी ईंट भट्टे पर मूलतः खरगोन का रहने वाला संतोष राठौर भी काम करता है। 2 मई को उसने किशोरी को धमकाया और पहली बार दुष्कर्म किया। उसने जान से मारने की धमकी दी और वह फिर रोजाना ही संबंध बनाने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने अपनी माँ को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता माँ के साथ महिला थाने पर पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल पीड़िता आई थी अपनी माँ के साथ थाने पे, और थाने पे उपस्थित होने के बाद उसने बताया कि वो मांगलिया में ईंट के भट्टे में उसका परिवार काम करता है, और वहीं ईंट के भट्टे में काम करने वाला एक लड़का जो है संतोष राठौर, उसके द्वारा पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की जा रही है। तो उसके बताए अनुसार फिर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद हम लोग तत्काल आरोपी की तलाश में निकल गए थे। आरोपी को ईंट के भट्टे के उधर से पकड़ के गिरफ्तार किया गया
और उसका मेडिकल कराया गया, आज उसे माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा चुका है। कंपनी में इन्वेस्ट करने पर 10-15% का ब्याज देने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो ठगोरों को पलासिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने 3 लोगों को शिकार बनाया और उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। दरअसल आरोपियों के नाम सुशील भाटिया और राहुल गुप्ता है। दोनों ने 7 बिलियन के नाम से कंपनी बनाई थी और लोगों को झांसा दिया कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर हर माह 10-15% का ब्याज दिया जाएगा। शुरुआत में कुछ पैसा ब्याज के रुपए में रिटर्न भी किया, लेकिन जैसे ही फरियादियों ने ज्यादा पैसे जमा करवाया तो आरोपियों ने उनसे संपर्क तोड़ लिया। कंपनी सुशील भाटिया की थी और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गुप्ता था, जो उज्जैन का रहने वाला है। खुद को बचाने के लिए सुशील भाटिया ने राहुल पर ही धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था, लेकिन जब जांच की गई तो सुशील भी इसमें लिप्त पाया गया। फिलहाल 3 पीड़ित सामने आए हैं, जिनसे आरोपियों ने करीब 8-10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। अभी वर्तमान समय में वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी एडवाइजरी कंपनी हैं और चिटफंड कंपनी है, जो भोले वाले लोगों को प्रलोभन देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करते हैं और उनकी गाड़ी कमाई को हड़प लेते हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में थाना पलासिया पुलिस के द्वारा 2 आरोपी सुशील भाटिया और राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा एक 7 बिलियन कंपनी के नाम से कंपनी बनाई थी और ये लोगों को प्रलोभन देते थे कि 10-15% प्रति माह का आपको ब्याज दिया जाएगा, आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए। और ये लोगों को ये भी बताते थे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इसका निवेश करते हैं, जिससे हमको 30-35% का हमको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार लोगों को ये 15% का लालच देकर लोगों से राशि जमा करवा लेते। शुरुआत में ये कुछ पैसा रिटर्न ब्याज के रूप में देते भी थे, लेकिन जैसे ही जो पीड़ित पक्ष जो है जब ज़्यादा पैसा जमा कर देता तो फिर उसके बाद जो उससे संपर्क तोड़ लेते थे। और इसमें मुख्य रूप से जो सुशील भाटिया इसके नाम से कंपनी थी और इसका मेन मैनेजमेंट डायरेक्टर जो था वो राहुल गुप्ता था, जो कि उज्जैन का रहने वाला है। जल संरक्षण अभियान के तहत नगर निगम द्वारा धार्मिक, सामाजिक, व्यवसायिक, रहवासी एवं विभिन्न संगठनों के साथ लगातार बैठक कर अलग अलग स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को जल रथ निकाला गया। बारिश के पानी को बचाने और धरती का कलश भरने के लिए चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान के तहत लोगों और बच्चों को जल रथ के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का महत्व समझाया गया। बच्चों को कुएं और बावड़ियों का भ्रमण करवाते हुए रथ रीजनल पार्क पहुंचा। इस दौरान सभी ने जल संरक्षण की शपथ भी ली। आज का दिन इंदौर के लिए एक पवित्र अवसर है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। जल की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प हमें लेना है, भू जल संरक्षण अभियान। और आज तरुण लोगों ने बरसात के जल को बचाने का संकल्प, आज सड़क पर निकलकर बेटा और बेटी जब भी कोई संकल्प लेता है वो पूरा होता है। जिस प्रकार से आपको पता है स्वच्छता का जुनून, एक तड़प, एक ललक, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक पूर्ति का जो विश्वास था, उससे प्रेरित होकर बरसात के जल को किस प्रकार से हम संग्रहण करें, पानी के अपव्यय को कैसे रोकें, जो पुरानी विरासत है, चाहे हमारा तालाब हो, नदी हो, नाले हो, बावड़ी हो, उनकी संरक्षण हम कैसे करें, ये उसकी एक नींव का पत्थर साबित होगी। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नगर निगम कमिश्नर और ये बेटे और बेटियों का और सारे जनप्रतिनिधियों का आभार और कृतज्ञ मानता हूँ। मैं नगर पालिका निगम की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जल मार्च का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया है कि आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, सर ने एक पानी बचाने के लिए जल हट किया था। सर का ये कॉन्सेप्ट है कि पानी के बारे में हम लोग सोचना शुरू करें और जिद करना शुरू करें। तो जब जिद करने की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में आप लोग आते हैं, तो इसीलिए एक जल मार्च का आयोजन किया गया। मुंबई की 2 महिलाएं जालसाज निकली। दोनों ने क्रिप्टो माइनिंग में निवेश करने का झांसा देकर एक महिला से 24 लाख रुपए ठग लिए। जब महिला ने अपने रुपए मांगे तो दोनों रफू चक्कर हो गई।
दरअसल मामला MIG थाना क्षेत्र के नेहरू नगर का है। यहाँ की रंजना नामक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसके मुताबिक वह खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात ज्योति हुकू से हुई। उसने उसकी एक अन्य महिला साथी आसमा सैयद से मुलाकात कराई। दोनों ने उसे बढ़िया प्रपोजल प्रोजेक्ट बताया, इसमें क्रिप्टो माइनिंग में निवेश का लालच दिया। रंजना ने दोनों के कहने पर 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद ज्योति और आसमा ने उसके फोन उठाना बंद कर दिए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत रंजना ने पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाली ज्योति और आसमा ने फर्जी कंपनी खोलकर टू क्रिप्टो माइनिंग में निवेश कराने के नाम पर वारदात को अंजाम दिया है। कल थाना MIG क्षेत्र में नेहरू नगर की निवासी एक महिला है, जिनके द्वारा थाने पर आके सूचना दी गई कि उनका एक ज्योति हुकू नाम की एक महिला है, जिससे मोटा पैसे का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठे और कई लोगों से उन्होंने ऐसे पैसा डबल करने के नाम पे और अलग तरीके से उन्हें पैसे ऐंठे और करीबन 23-24 लाख रुपए उन लोगों ने उनसे ले लिए हैं और पैसा लेके वो फरार हो गए हैं। और अब खबरें दे दनादन। आम जनता को राहत देने और पुराने प्रकरण के निराकरण के लिए शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें एक साल से ज्यादा पुराना जलकर और संपत्ति कर बकाया जमा करने पर सरचार्ज में छूट दी गई। निगम मुख्यालय के साथ ही सभी जोनल कार्यालय और निगम के वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं निगम कार्यालयों के सभी कैश काउंटर भी अवकाश होने के बावजूद खुले रहे। ऐसे प्रकरण जिनका सरचार्ज सहित 50,000 तक बकाया है, उन्हें सरचार्ज पर 100% की छूट मिली और 1 लाख तक के बकाया पर 50% और 1 लाख से अधिक के बकाया पर 25% की छूट दी गई। प्रेस क्लब में शनिवार को मेगा हेल्थ एवं चेकअप कैंप लगाया गया। इसमें प्रेस क्लब सदस्यों, मीडिया कर्मियों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की गई। आयोजन श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सहयोग से किया गया। इसमें श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विनोद भंडारी ने प्रेस क्लब में सप्ताह में 2 दिन OPD शुरू करने का सुझाव भी दिया। कैंप में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने चेकअप करवाया। गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर इस बार लोगों की पहली पसंद है। बड़ी संख्या में पर्यटक कोविड के बाद कश्मीर ट्रिप पर जा रहे हैं। गर्मी की छुट्टी के चलते लोगों की संख्या भी बढ़ी है। विदेश के बजाय लोग देश में ही घूमना पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादव ने बताया, लगातार जम्मू कश्मीर के लिए फ्लाइट की मांग बढ़ती जा रही है। लोग 2 से 3 गुना किराया देने में भी पीछे नहीं हट रहे। इसकी वजह यह भी है कि 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते लोग अपने घरों में ही थे और अब संक्रमण कम होने से बाहर घूमने जा रहे हैं। लसूड़ा थाना क्षेत्र में फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला सामने आया है। इसमें 21 वर्षीय पुष्पा दुबे पति स्वर्गीय अश्विनी कुमार दुबे निवासी एंजल रेजेंसी निरंजनपुर स्किम नंबर 114 के साथ सुकलिया प्राइम सिटी स्थित द यूनाइटेड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के कर्ता धर्ता बनकर शिव कुमार तिवारी, शिवकांत कटियार और नवीन मल्होत्रा ने ठगी की। उन्होंने पुष्पा दुबे एवं उनके पुत्र का अपनी सोसाइटी में बचत खाता खोला और उसमें जमा करवाने के नाम पर रुपए ले लिए। जब इसकी जांच की गई तो पता चला आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करते। इसके बाद फरियादियों ने लसूड़िया पुलिस को शिकायत की। जूनी इंदौर क्षेत्र के जयरामपुर कॉलोनी में जिम्मी असरानी नाम का व्यक्ति कार खड़ी कर अवैध शराब की होम डिलीवरी कर रहा था। सूचना पर क्राइम ब्रांच और जूनी इंदौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अल्टो कार क्रमांक MP09WH3430 को घेर कर उसकी तलाशी ली। कार में वाहन चालक नहीं था, लेकिन 92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया। जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।